ये एक पिक्चर स्टोरी है जिसमें बच्चे इसमें देख सकते हैं कि इसमें दो जानवर हैं, एक मेंढक है और एक शेर है। तो हम इसमें बच्चों से बहुत सारा बातचीत करते हैं कि इसमें क्या हो रहा होगा। इसमें हम एक कहानी भी सुना सकते हैं इस वाले स्टोर के साथ, और बच्चों के खुद की अपनी कहानी बनाने के लिए हमने एक पिक्चर दे रखा है जिसमें हम कह सकते हैं कि मेंढक शेर से क्या कह रहा होगा। फिर बच्चों ने कुछ बताया कि हाँ मेंढक से शेर ये कह रहा होगा, जो भी आप करें, क्योंकि उनकी सिर्फ थिंकिंग स्किल्स और स्टोरी कैसे बनाई जाए उसमें काम करने के लिए भी ये पिक्चर स्टोरी है। इसके बाद फिर ये स्टोरी इसको होते हुए यहाँ तक आ जाएगा और फिर हम इसमें आ जाएंगे। आप कहेंगे बताओ इसमें कितने जानवर हैं, तो ये हम गणित भी इसके साथ चल रहे हैं, गणित के साथ ही है, और इसमें हम देख सकते हैं बगुला भी है और इसमें मेंढक भी है और शेर। तो हम इसमें कह सकते हैं इसमें क्या कर रहा है, शेर और मेंढक एक जगह बैठे हुए हैं और बगुला दूसरी तरफ बैठा हुआ है, तो क्या बात हो रही होगी, कुछ हो रहा होगा क्या इसमें। उन्होंने कहा कहेंगे कि हाँ इसमें कुछ हो रहा है। क्या हो सकता है सर? ये हो सकता है रेस करने वाले हों। हाँ रेस करने वाले हों। और क्या हो सकता है सर? ये बगुले से कुछ बात कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? बगुला इन सब से बात कर रहा होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन बगुला क्या बात कर रहा होगा। तो इस तरह की करके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जनरेट होती है और बच्चे उसमें बहुत सारे हम प्रश्न करते हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं, और फिर हम कह सकते हैं कि आगे क्या होगा। अगर यहाँ बगुले ने बात करी और मेंढक और शेर से बात की, आगे क्या हो सकता है, क्या होगा, तो फिर कह सकते हैं देखते हैं अच्छा आगे क्या होता है। बच्चे भी इसमें कुछ अपने जवाब दे सकते हैं, या फिर हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ एक नदी दिखाई दे रहा है और मेंढक और शेर जो है वो नदी की दूसरी तरफ है और बगुला दूसरी तरफ है, इसका मतलब क्या होगा। तो बहुत सारी बात कर सकते हैं। बच्चे कह देंगे सर ये तो पानी पीने के लिए आए हैं। मैंने कहा हाँ ठीक बिल्कुल पानी पीने के लिए आए होंगे। क्यों आए हमें पानी सर ये? मैंने कहा भाई मेंढक तो पानी में ही रहता है, वो पानी पीने क्यों आएगा? उन्होंने कहा सर शेर पानी पीने आया होगा। ठीक शेर पानी पीने आया होगा, लेकिन मेंढक का क्या काम है? सर वो मेंढक को लेकर आया होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। सर ये दोस्त हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन और क्या हो सकता है? सर हो सकता है ये रेस करना चाह रहे हैं, नदी कूदना चाह रहे हैं। मैंने कहा हो सकता है नदी कूदना चाह रहे हैं, और नदी को कूदना चाह रहे हैं, ये दूसरी तरफ बगुला क्यों बैठा है? सर वो रेफरी होगा ना? रेफरी होगा। अच्छा अच्छा रेफरी होगा, तो रेफरी क्या करेगा? सर वो दोनों का निर्णय करेगा कौन जीता कौन हारा। तो इस तरह से करते हुए बच्चों को कहानी सुनाते हुए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है, बच्चों के अपने क्यूरियस भी हो जाते हैं और बच्चे अपने कहानी को बनाने में लगते हैं। ये कहानी बनाने के लिए है और पिक्चर स्टोरी पिक्चर को पढ़ने के लिए।